हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज इस वीडियो में अनबॉक्स करने वाला हूँ मेरा एसर का नेट प्रोफाइल लैपटॉप जो राइजन के साथ आता है। तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहिए और चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा एसर का नेट प्रोफाइल लैपटॉप जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है और आप देख सकते हैं कि इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी तरीके से की गई है, ये बबल रैपर्स लगाकर। और ये है फ्लिपकार्ट का बिल। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके बॉक्स कंटेंट्स और इसका फर्स्ट इम्प्रेशन। तो ये है हमारा मेन बॉक्स और आप देख सकते हैं कि हमारी जो सील है वो एकदम सही है। तो चलिए इसे भी खोल लेते हैं। तो ये है हमारा मेन बॉक्स जो एसर वालों की तरफ से मिलता है। हमें इधर एसर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और प्रोडक्ट लिखा है नाइट्रो 5। और इसकी दूसरी साइड में आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाती है। तो प्रोडक्ट नेम है एसर नाइट्रो 5 और ये है इसका मॉडल नंबर। तो OS है विंडोज 10 होम जो आता है AMD राइजन प्रोसेसर के साथ। इसमें आपको IPS FHD डिस्प्ले मिलती है, 8GB का DDR4 रैम और स्टोरेज मिलती है 1TB की। और इसके नीचे दिए गए बाकी के स्पेसिफिकेशंस जो आप देख सकते हैं। और ये कंपेटिबल है विंडोज मिक्स रियलिटी के साथ। और इधर इसकी प्राइसिंग मेंशन की गई है जो है 80,000, पर मुझे मिला तकरीबन 50,000 में फ्लिपकार्ट के दिवाली सेल पर। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप चाहे तो इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके बॉक्स कंटेंट्स। तो ये हमारा बॉक्स खुल चुका है। तो चलिए इसमें देखते हैं और क्या क्या है। तो यह हमारा मेन यूनिट है, इसको हम साइड में रख देते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। तो यह हमारा क्विक स्टार्ट गाइड और यूज़र मैनुअल है, इसको आप पढ़कर अपना लैपटॉप चालू करें। और चलिए इस बॉक्स को भी खोल लेते हैं। तो हमें इस बॉक्स में मिलता है एडाप्टर विद पावर केबल। आप देख सकते हैं कि ये कितना मोटा है। इसका आउटपुट करंट तकरीबन 7.1 एम्पियर है और पावर है 135 वाट, जिससे कि हमारा लैपटॉप जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो चलिए हम आते हैं अपने मेन यूनिट पर जो कि हमारा लैपटॉप है। आप देख सकते हैं कि इसकी प्रोटेक्शन कितनी अच्छी तरीके से की गई है। और ये इसकी सेटअप गाइड है, जब आप नया लैपटॉप लेते हैं तो इसको सेटअप कैसे करते हैं ये उसका गाइड है। तो आप इसे पढ़कर अपना लैपटॉप चालू करें। और ये देखिए, ये जो हमारा लैपटॉप है वो बाहर आ चुका है। मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है और इसके ऊपर ये मैट फिनिश दी गई है जिससे कि इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स नहीं आते। आप देख सकते हैं
कि इसके ऊपर एसर की ब्रांडिंग दी गई है और इधर नाइट्रो लिखा है। और ये गेमिंग लैपटॉप है तो इसको पीछे से एयरवेंट्स दी गई है और एयरवेंट्स नीचे से भी दी गई है जिससे कि ये लैपटॉप ठंडा रहे। और सबसे अच्छी बात मुझे इसमें लगी कि आपको हार्ड ड्राइव और रैम का अलग से स्लॉट भी मिल जाता है जिससे कि आपको ये पूरा नीचे का पैनल नहीं निकालना पड़ेगा। अगर आप इसको राइट साइड में टर्न करके देखेंगे तो आपको मिलता है एक चार्जिंग का पोर्ट, चार्जिंग और हार्ड ड्राइव इंडिकेटर लाइट, दो USB 2.0 के पोर्ट, एक हेडफोन और माइक्रोफोन का जैक जो दोनों ही एक जैक में कंबाइन किया है। और आप फ्रंट साइड में देखेंगे तो आपको दो डॉल्बी के फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं और दो नीचे भी। और आप लैपटॉप को लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको मिलता है एक SD कार्ड स्लॉट, एक USB 3.0 पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, एक USB-C टाइप पोर्ट, एक इथरनेट पोर्ट और एक किंगस्टन का लॉक। ये लैपटॉप बहुत हैवी है और इसका वेट है अराउंड 2.7 kg। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसका फर्स्ट इम्प्रेशन। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर की प्रोटेक्शन की कवर दी गई है और इस पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गए हैं तो आप इसे पढ़ लें। तो आप देख सकते हैं कि ये लैपटॉप कितना सुंदर लग रहा है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और इसके कुछ ये मेन फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं जैसे कि ये AMD Ryzen का प्रोसेसर, RX Radeon 4GB का ग्राफिक्स कार्ड, 8GB DDR4 RAM, कूल बूस्ट टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा फास्ट वायरलेस स्पीड और ये 1080p की FHD डिस्प्ले। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं इसके रिव्यू की वीडियो बनाऊं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, पर मुझे एटलीस्ट 5 बंदे कमेंट करेंगे तो ही मैं इसके रिव्यू की वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए इतना ही था मेरे इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।